आरती आप क्या कर रही हो? मैं प्रसाद रख रही हूँ उनके लिए। तारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। टूट गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, और फिर भी इसको दर्द नहीं होता। अब इसको कुछ गुड़ दे देते हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी शाम के टाइम कितना हो रहा है? 6 बज चुके हैं और आज का मेरा जो ब्लॉग है ना, सुबह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं ये आलस कर रही हूँ। और मैं और मेरी मम्मी तैयार हो चुके हैं। हैप्पी नवरात्रि। हाँ, मैंने तो आप लोग को हैप्पी नवरात्रि बोली ना। नवरात्रि तो कल खत्म होने वाली है। अब आप सबको खुश रखिए। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि लास्ट टाइम पे ही बोल रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो कल ना आंचल और काजल का फास्ट है, तो कल हमारा वो है क्या, कन्या पूजा है। तो जिसके लिए मैं और मम्मी अभी मार्केट जा रही है, वहाँ से सामान वगैरह लेके आएंगे। जो भी भोग का सामान होता है और कन्याओं का सामान होता है वो लेके आ रहे हैं। अब देखो, अभी तो ये बंदी लेट ही थी, अब कह रही है मैं अभी आ रही हूँ। आंचल भी तैयार होके हमारे साथ चल रही है, और अभी अभी पैलेस पे सूट है। तो अभी चलते हैं मार्केट में। मुझे भी नहीं पता कौन से मार्केट जा रहे हैं। दूसरे मार्केट जाएंगे, कौन चले? सोमवार बाजार। सोमवार बाजार तो नहीं गई हूँ मैं अभी तक, बाकी के मार्केट गई, लेकिन सोमवार वाले में नहीं गई हूँ। और मम्मी आगे आगे भाग रही है। क्या ले रहे हो? किसमें? वो सब चीज है। अच्छा, उसमें भी है सारे। ये है ना सोची। गुड मॉर्निंग। और आज ना हमारे यहाँ कन्या पूजा है, तो मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी तैयारी में लगे हुए, तो जल्दी जल्दी में सारा काम हो रहा है इसके चक्कर में। और अभी अभी मैं नहा के आई हूँ, तो अभी यहाँ पे हलवा और पूरी बन गई है, बाकी ये चीज़ें बन चुकी है। अभी चलिए हम जल्दी जल्दी से बनाते हैं। और अभी कंचिका आ चुकी है उधर वाले घर पे, तो अभी हमारा बन ही रहा है। अभी बनेगा थोड़ी देर, फटाफट चलो। तो अभी मैं भी ना रेडी हो चुकी हूँ, बट मैंने सूट वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं अभी नहाई हूँ और अभी प्रसाद वगैरह बनाया है। तो काजल अभी पूरिया बना रही है, बाकी की चीज़ें सब बन चुकी है। और यही होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो बहुत जल्दी 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 मची रहती है हर चीज़ की। और इंसान अकेला होता है तो आराम से बना देता है, सारी चीज़ें कर लेता है, लेकिन साथ में एक ये करता है, ऐसे हो जाता है पूरा टाइम। तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में, और मैं थोड़ा सा लेट भी उठी ना, तो इसीलिए मायके में हूँ ना, तो इसलिए आराम से उठ रही हूँ। मेरे साथ काजल है ही, तो प्रसाद वगैरह तो मैंने बना दिया, बाकी पूरा काजल बना रही है, सब्जी मम्मी ने बना दी थी, सब ने एक एक चीज़ बना दी थी। तो अभी आगे की तैयारियाँ जल्दी, और अभी करना है ना, दोस्त वाले घर पे आई है, तो बस आंटी खिलाएगी, फिर हमारे यहाँ पे आएंगे, तो फिर अभी देखते हैं। हाँ, फिलहाल आंचल कर रही है वहाँ पर तैयारी, तो मैं देखती हूँ क्या क्या तैयारी कर रही है। यहाँ पर बन रही है काजल की पूरियाँ, ये देखो काजल कह रही है मन दिखाई। ये जब भी मैं कैमरा लाई उसी टाइम गंदी वाली बनी, मैंने वो सही बना लेती है पूरियाँ, है ना, फूली फूली। टीवी पे लगाई है, पर आज यहाँ पे कर रही है तैयारियाँ। रख दिया हेयर बैंड भी, रख दिया सारे साइड साइड में। तेरे कॉल कॉल आ रहा है, चल तेरे साइड। आज चलने पहनी है सूट। पापा भी देख रहे, पापा लाओ फिर जाना। मेरी मम्मी नई 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 चीजें सीख के आती है। मम्मी लॉन्ग भी रख रही है, पता नहीं क्या होता है इससे। मैंने पता नहीं कहाँ देखा, हमें तो पता भी नहीं था। देखो थाली मैंने वैसे रखी हुई है। मैं तो नहीं डालती, तू डालती है? चल लूंगा, मैं पहली बार देख रही हूँ मम्मी को। पापा का लौंग खानी है, बट मम्मा क्यों मनी ज्यादा हो जाएगी। अभी मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, और अब बस हम कन्या का थोड़ा वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगी, तो उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, ठीक है। तो अभी काजल और आरती दीदी पूरी बना रहे हैं, मैंने अपना सब कुछ रेडी वेडी कर दिया था उठकर, और मैं आपको दिखाती हूँ काजल और आरती दीदी अब फाइनली पूरी बना रहे। ये देखो गाइस, ये बना रहे हैं पूरी यहाँ पे दोनों के दोनों। ये देखो तो गाइस, ये देखो हमारी कन्या भी फाइनली आ चुकी है। ये देखो तो देखो गाइस, ये हमारी कन्या फाइनली आ चुकी है। अभी मैं इनका पैर वैर धुलवा के अपना
करती हूँ रेडी। आ जाओ बच्चों, ये देखो ये हमारी कन्या आ गई है। सारे बोलो, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी। आवाज नहीं, सही बोल रहे हो। आचल उनकी थालियाँ एक साइड रख देती ना। आचल नहीं, उनकी थाली एक साइड रख देती। पापा बस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे पूरियाँ बन रही है, तो अभी मैं बस प्लेट में रखूंगी। बाकी लगभग सारी चीजें बन चुकी है और आचल बाकी का जो भी होता है कन्याओं की पूजन कर रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। ये बच्चे तो आए नहीं, पता ये नहीं दिख रही, अच्छे से बनाती हूँ। आरती आप क्या कर रही हो? मैं प्रसाद रख रही हूँ उनके लिए। क्या बनाया आज आपने? हलवा, पूरी और आलू का झोल और वो क्या चने। आप प्लीज गढ़वाली में आलू का झोल मत बोलो, यहाँ देसी लोग भी रहते हैं। आलू का झोल नहीं होते, देसी में भी हैं। खा लिया है कन्याओं ने, अबे जा रहे घर। मम्मर ऐसा बोला आपकी जल्दी शादी हो जाए। अरे मेरी तो हो रखी है इसकी, मेरी हो रखी है इसके हो जाए। बोलो कह रही सबकी शादी जल्दी हो जाए। बोला अगले साल जब हमारे तो दीदी दुल्हन की जैसे रहे। हर साल आते हैं ना। कितना क्यूट चिच्ची। बाय, तुमको बुलाऊंगी। अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलो जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो। कितने क्यूट है ये। आराम से जाओ, ठीक है। अबे नीचे भाभी के घर में बिठा रहे कन्या, बैठ गई ना। हाँ और है वहाँ क्या? आराम से छोड़ो। ये देखो अब नीचे चले गए भाभी के घर। दुष्ट काजल को ना कुछ काम करना नहीं आता, इसने मेरा हाथ जला दिया, ये वाला भी और यहाँ पे भी। ये देखो जब तक वो लगा लेता नारियल का तेल जल्दी कुछ काम नहीं आता। इस वक्त इसने जान बुझ के जलन खोरी में जलाया। ये देखो ओ, ये तो मेरा पहले से जल रखा है हाथ। इसने सोचा कि मैं जान जले दाग पड़ गया तो मेरी बहन जब भी पड़ गया था मेरा हाथ, ताकि हम दोनों एक जैसे हाथ लेके घूमे। इतनी गंदी है ये, नहीं कि पहले मेरी दीदी के पैर पिछले महीने जल रखे इतने ज्यादा, क्या वो कम थे? आचल ने जलाया काजल का हाथ और काजल ने जला दिया मेरा हाथ। बच्चे कह रहे हैं मैं जलाऊंगी आचल। बच्चे कह रहे दीदी आपने मेरा हाथ जलाया, अब मैं किसी और का जलाऊंगी। बच्चे कह रहे दीदी आपने इस बार भी ना आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है, बट ना थोड़ी हरी मिर्ची लग रही थी इनका बहुत। इसने मिर्ची मिर्ची काटी थी इसने बहुत। मेरे बोला मम्मी ने काटी थी, मैंने नहीं काटी। काटे पर थोड़ा मैंने पसंद तो आया। चलो सब कुछ अभी अच्छे से हो गया, कन्या हमारे घर से खुश होके चली गई है। आचल को शादी का आशीर्वाद दे के भी गई है कि अगले साल तक उसकी शादी हो जाए। जब हम आए तो मैरिड लुक में गए अगले साल, तो आशीर्वाद भी मिल गया है। काजल को भी मिल गया है कि उसकी भी बेचारी की पहली सिचुएशन ठीक हो जाए, फिर उसकी जल्दी से शादी हो जाए। कौन सी सिचुएशन? ये कमजोरी वाली। थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए फिर उसकी शादी हो जाए। तो मैं 5 साल लगाऊंगी कन्या खा, शादी ना कुछ। कन्या खा पी गई चलिए, काजल की भी पूरी बन रही है।
बनी नहीं है। यही होता है गडल में एक कहावत नहीं था, पौधे भी ना मुंह से नहीं मरती। मतलब बहुत सारी बिल्लियां होती ना तो चूहे ऐसे ही होते, एक बिल्ली होती तो सबका शिकार करती है, तो वही सीन है हम लोगों का भी। हो जाएंगे मुझे लग रहा है पूरे हम तीनों चारों के लिए हो जाएंगे, ज्यादा कौन खा रहा, पूरे से गैस बनती है वैसे भी। सो दोस्तों आप लोगों की नवरात्रि कैसी कैसी रही कमेंट में बताना, कन्या पूजा कैसे कैसी हुई कमेंट में बताना। हम लोगों की तो बहुत अच्छे से हो गई है और बहुत अच्छा लगा मुझे। खैर इस बार मेरा फास्ट वगैरह कुछ नहीं था पर कोई बात नहीं, सब कुछ हो गया यहीं पे मंगल की गिर पी। तो दोस्तों अभी हमारी क्लीनिंग देखो चकाचक हो चुका है और सारा काम में पड़ गया है। और ये देखो यहाँ पे बच्चे आ रहे मस्ती करने के लिए अपनी आचल मौसी के साथ। ये देखो ये मौसी इन बच्चों को बिगाड़ रही है टिकटॉक वीडियो बना बना के। तो तो अभी आचल यहाँ पे गाना पेश करने वाली है अपनी मोटी सी आवाज में, तो अभी हम उसका गाना ध्यान से सुनते हैं। उसका साथ देने के लिए है अक्षित। अक्षित मौसी के साथ गाना गाओ गढ़वाली गाना। चलो स्टार्ट आचल, तैयार हो? स्टार्ट आचल। बस इतना ही गाइस। ये देखो अक्षत का दांत हिल रहा है ये गाने अक्षत ना दांत होता है। हिल भी कौन सा रहा अक्कल दांत ड्रामा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। अक्षत दांत बता सबको कौन सा दांत हिल रहा है, हिला के बता। अरे आगे से नहीं, जल्दी से अपना दांत नहीं तोड़ेगा। कौन सा हिल रहा है ये ना, ये देखो गाइस जल्दी से अपना ओ ये वाला दांत, इसको नीचे से दांत आने लग गया, जल्दी तोड़ छुड़ैल जैसा दांत। आखिर कहां आ रहा है वो देख। अरे हां इसको तोड़ जल्दी, अब वो अंदर की तरफ नहीं टूटेगा दीदी दांत ना। भैया मैं तो नहीं तोड़ी, मुझे लगता है बहुत डर बच्चों के दांत तोड़ने में, दांत ना चुड़ैल की तरह हो जाएगा देख लो। अरे हाँ तेरा दांत आ रहा है पीछे से हल्का सा, तोड़ दो उसको जल्दी से। ऐसा नहीं वो अंदर की तरफ नहीं टूटेगा, कोई बात नहीं बाहर को नहीं तोड़ ले, कुछ नहीं मेरे भी सारे बाहर टूट रहे। अगर अंदर से आ गया ना तो चुड़ैल बन जाएगा, दो दिन में ऐसे लंबा सा दांत आएगा, तोड़ दे उसको जल्दी से। यार हम लोग सोच रहे हैं कि अक्षत का दांत तोड़ दे क्योंकि वो काफी हिल रहा है और उसके ना अंदर से दूसरा दांत भी आ रहा है, तो कहीं डबल डबल दांत बोलते ना पर दांत ना हो जाएगा इससे। तो मैं आचल को कह रही तू हिम्मत करके तोड़ ले उसका दांत, पर वो भी डर रही है थोड़ा थोड़ा। आचल ऊपर को नहीं खींचना, वो दर्द हो रहा है अभी तो, ये कह रहा था मेरा दांत तोड़ दो। दर्द नहीं होता यार स्ट्रॉन्ग बॉय, दर्द नहीं होता, दे भी तो रहा है वो भी तोड़ दो। अरे आचल तो खींच मत ऐसे में दर्द होगा, एक ही बार में एक झटके से कर बहुत हिल रहा है वो बहुत, इतना स्लो करेगी ना उसका दर्द होगा एक झटके से कर। यार एक तो जीप भी लगा रहा है ना दादा, काफी ज्यादा हिल रहा है बेचारा, मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है उसका दांत तोड़ने की। अब उसके घर पे जा रहे हैं हम लोग नानी को बताने। आंटी वे दांत तोड़ गया, वे पर दांत आ गया, कर चुके दांत देखो ताल देख, बस बस टूट गया हो गया थोड़ा सा रह गया देखा। ऐसे बोल रही थी मैं तुझे, एक झटके से टूटता है दांत, पर वो रो रहा था ना मेरे हाथ का होता है। दोस्तों ये देखो हमारा अक्षित कितना स्ट्रांग बॉय है, इसने देखो दांत भी तोड़ दिया और फिर भी इसको दर्द नहीं होता। अब इसको कुछ गुड़ दे दे आंचल, मीठा दे दो उसको, उसने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा मेरा फर्स्ट टाइम ना मम्मी के लिए जल्दी बुड्ढा हो जाएगा, 6 साल का ये अभी दर्द हो रहा नहीं होता अक्षित, दर्द थोड़ा तो निकलता ही है। तेरे कपड़े तो आएगा घूमने आएगा, ले जाओ थोड़ा निकलता है, सीधा दिखा दे उसको जाओ। अक्षित कैसे लग रहे हो देखो शीशे में, फ्रंट इसका अच्छा दांत तोड़ दिया, नए दांत ने जगह ले लिया। हां नीचे से कैसा है, हल्का सा दिख नहीं रहा अभी, पर दांत है ना तेरा इस टाइम देखो ये रहा, पिछले कौन जो हल्को से अच्छा वो जीम मत लगाइए उसमें, नहीं तो जीम मत लगाना, जीम दांत तो उगेगा नहीं तेरा हो जाएगा। बहुत अच्छा बच्चा है वो है ना।
गाइस फाइनली अक्षित का दांत टूट चुका है और हमें मिठाई मिली हुई है। पहले हमारे दांत टूटते ना गांव में तो नानी हमें गुड़ खिलाती थी बहुत, क्योंकि उस टाइम लोग गुड़ को भी ऐसा लगता था कि अरे यार क्या मिल गया हमें, जो मिला हमें मिला, तो इसीलिए तो उसका भी चलो अच्छे से दांत टूट गया, बेचारा रो भी रहा था पर उसको ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे रोता नहीं है बाकी बच्चों की तरह, इतनी इतनी चीज़ों को लेकर होते नहीं बच्चे रोने लग जाते हैं, बट वो नहीं रोता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का है। और चलो फिर इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं, होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अभी हम लोग थोड़ी देर में घूमने भी जाएंगे तो उसका मैं अलग से ब्लॉग करूंगी। और अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं आप सबने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।